दोस्तों रावण को जितना दुष्ट और पापी समझा जाता है उससे कई गुना ज्यादा गुणी और महाविद्वान है। रावण से जुड़े कई किस्से कहानियां हैं जो आमतौर पर हमें सुनने को नहीं मिलती या फिर कोई इस बारे में बात करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि रावण को सब दुष्ट पापी और धर्म का प्रतीक मानते हैं। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो कई लोगों को अभी भी पता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना। वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण और तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस दोनों में ही रावण को बहुत महत्व दिया गया है। जहाँ रावण घमंडी और राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, वहीं दूसरी ओर वह महातेजस्वी, महाप्रतापी, रूपवान, विद्वान और महाशक्तिशाली राजा था। रावण के पास एक पुष्प विमान था, लेकिन कहा जाता है कि वह पुष्प विमान उसके बड़े भाई धनपति कुबेर का था, जो कि रावण का सौतेला भाई था। रावण ने कुबेर से पुष्प विमान अपनी ताकत के बलबूते पर छीन लिया था। श्री राम के द्वारा रावण के वध के बाद राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और विभीषण सहित कई लोग इसी पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए थे। हम सब ये तो जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन अजीब बात यह है कि जैन धर्म के रामायण के अनुसार रावण सीता के पिता थे। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार यह भी कहा जाता है कि रावण को राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने मारा था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। ये घटनाएं जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के समय की कही जाती है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। रामायण में बताया गया है कि जब रावण मरने वाला था तब रावण ने लक्ष्मण को राजपाट चलाने और नियंत्रण करने की शिक्षा दी थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। रावण को इसमें महारत हासिल थी और ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रावण अपने समय का महान वैज्ञानिक पर खोज करता था और उसी ने भारत का क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रुद्रवीणा की खोज की थी। इसे बजाने में रावण को महारत हासिल थी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण अपने अहंकार के चलते अपनी शक्तियां खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो कि बाद में अरब में पाई गई थी, जिसे बाद में उर्दू और फारसी भाषा में अनुवाद करके लिखा गया। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रावण की एक लंका मीनार नाम से एक मीनार बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 210 फीट है। इस मीनार के अंदर महाबली रावण के परिवार के पूरे चित्र बने हुए हैं। इस लंका मीनार को मथुरा प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने सन 1875 में बनवाया था। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5000 ईसा पूर्व साल पहले राम ने रावण को मारा था, यानी कि आज से लगभग 7090 साल पहले के समय की यह घटना थी। ऐसा माना जाता है कि रावण का शव आज भी किसी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका के रेगला कहे जाने वाले स्थान पर सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के जंगलों में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर खूंखार जंगली जानवरों का बसेरा है। रेगला के जंगल में पहाड़ी क्षेत्र में 8000 फुट की एक पहाड़ी है, जहाँ पर एक गुफा है जहाँ 17 फुट लंबे एक ताबूत में रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपराएं थी। माना जाता है कि आज भी मिस्र के ग्रामीणों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। दोस्तों इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ राम के नहीं बल्कि रावण की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और हजारों की संख्या में उनके भक्त हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहाँ पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण की आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण श्री कृष्ण और श्री राम दोनों से ही महान था।
और वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे, श्री राम 14 कलाओं में, लेकिन लंकापति रावण 64 कलाओं में निपुण थे। तो ये थे रावण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली हो, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।